Hello guys, welcome back to our channel A to Z IT Services. Today we have brought some MCQs on Microsoft Word. As you know, we have completed Microsoft Word yesterday. So before that, subscribe the channel A to Z IT Services. Hit the bell icon for latest notifications. So जैसे कि हम आपको पता है कि कल हमने व्यू टैब के साथ ही इसको खत्म किया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को, तो आज हमने ये एमसीक्यूज वीडियो आपके लिए लाए हैं जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं. ये टॉप मोस्ट जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एमसीक्यूज है वो हमने यहाँ पे तैयार करके रखे हैं, तो वो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे. सो अगर आपने कोर्स आपने बाकी वीडियोज नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले वो वीडियोज देखिएगा, क्योंकि उनमें हमने बहुत डीपली हर कोई चीज एक्सप्लेन की है और आपको समझाया है. ठीक है, तो आज हम बात करने जा रहे हैं एमसीक्यूज के बारे में, जो कि आप देख सकते हैं पीछे मेरे थंबनेल भी है. तो यहाँ पे एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि आप एमसीक्यूज को सॉल्व कीजिए, पास कीजिए वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हो गए, करेक्ट हो गए, और कितने आपके रॉन्ग हो गए. ठीक है, तो हम साथ साथ में क्वेश्चंस सॉल्व भी करेंगे, एक्सप्लेन भी करेंगे. और अगर आपने सारे वीडियोस ध्यान से देखे होंगे तो आई होप कि जितने भी क्वेश्चंस हैं सब आप आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि हर चीज हमने कवर की हुई है वीडियोस में. ठीक है, और एक और चीज यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, अगर आपने कोई एग्जाम क्रैक करना है तो आप सिंपली एक बार चीज करोगे कि आपने कोई चीज पढ़ी है उसको रट लोगे और एग्जाम क्वालिफाई करोगे, तो दैट इज ईजी. जैसे कि ये एमसीक्यू वीडियो, आपने सारे क्वेश्चंस याद रख लिए, इनमें से चार पांच क्वेश्चन एग्जाम में आ गए तो आपको हो जाएगा, एग्जाम सॉल्व हो जाएगा, एग्जाम क्वालिफाई भी हो गया. ठीक है, लेकिन देयर इज समथिंग टू गेट, मतलब सर्वाइव इन द जॉब. जॉब जब आपको मिल गई तो उसके बाद सर्वाइव भी करना है ना, तो आपको बहुत सारी चीजें उसमें करनी पड़ती है. फिर कोई लाइक काम करना पड़ता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, एक्सेल में, तो उन सब के लिए आपको पूरा कोर्स देखना चाहिए और सीखना चाहिए, मेरा यही ख्याल है. ठीक है, तो चलो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और सॉल्व करते हैं अपने दिस एमसीक्यूज. सो चलिए देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे कि कौन कौन से क्वेश्चंस हमने यहाँ पे तैयार किए हैं रिगार्डिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. जो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला कि दो चीज़ें होती है, एक होती है टू गेट द जॉब, तो फिर आपको ये सो क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए और आने भी चाहिए. एंड सेकंड थिंग इज टू सर्वाइव इन द जॉब, देन यू नीड टू हैव द स्किल रिगार्डिंग हैंडलिंग द डॉक्यूमेंट्स एंड क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स. तो उसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बहुत ज़रूरत है, और कंप्यूटर बेसिक्स में जब भी हम बेसिक्स ऑफ या फंडामेंटल्स पढ़ते हैं तो उनमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या ऑफिस पैकेज होता ही होता है. ठीक है, तो जैसे कि कल ही हमने इसके रिगार्डिंग कंप्लीट किया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एंड टुडे वी हैव ब्रॉट सम एमसीक्यूज रिगार्डिंग ऑल दोज टॉपिक्स वी हैव कवर्ड इन द लास्ट लेक्चर्स. सो अगर आपने वो वीडियो सारे अच्छे से ध्यान से देखे हैं और सीखने के इंटेंशन से देखे हैं, तो आई गारंटी यू कि आपके जो जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे वो आपको सब आएंगे. ठीक है, तो जैसे आप सॉल्व करते जाएंगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हो गए और कितने गलत हो गए. ठीक है, सो चलिए चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस पे और देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस है यहाँ पे. ओके, सो लेट्स मूव. सो सबसे पहला क्वेश्चन है द एबिलिटी टू कंबाइन नेम एंड एड्रेस विद स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड. जैसे कि हमने देखा था प्रीवियसली कि जब भी हम किसी नेम और एड्रेस को डॉक्यूमेंट के साथ, स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट के साथ कंबाइन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग बोलते हैं? नहीं. डेटाबेस मैनेजमेंट? नो. मेल मर्ज फॉर्म लेटर. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज मेल मर्ज. जैसे कि हमने देखा उस टाइम पे जब हम कर रहे थे, कैसे करते हैं, क्या क्या फीचर्स है, उस पर हमने दो वीडियोस एक्चुअली बनाए थे. एक पहले ब्रीफली हमने मेल मर्ज और मेलिंग टैब एक्सप्लेन किया था, एंड सेकंड में हमने देखा था कि कैसे अगर हम विजिटिंग कार्ड या समथिंग लाइक दैट बनाना होगा विद द हेल्प ऑफ मेल मर्ज, और कैसे हमारा टाइम जो है वो बच जाता है विद दिस फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. ओके, सो मेल मर्ज इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Then we have which enables us to send the same letter to different persons. Same letter अगर हमने different persons को भेजना है, changing the address and all that, changing address and name, तो उसके लिए हमें कौन सी चीज़ यूज़ होती है? मैक्रोज? नहीं, मैक्रोज हमने लास्ट लेक्चर में ही देखा था, ये तो यूज़ नहीं होता है. टेम्पलेट? टेम्पलेट इज़ ए प्री डिफाइंड फॉर्मेट ऑफ समथिंग. नो. मेल मर्ज? यस, मेल मर्ज टू सेंड लेटर्स विद डिफरेंट नेम्स एंड एड्रेसेस, सेम लेटर.
you can send that with the help of mail merge. So the correct answer for second question is also mail merge. तो पहले जो दो questions थे वो mail merge पे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले please वो सारे वीडियोस देखिए, बिल्कुल 3 घंटे का कोर्स है Microsoft Word का, ना सिर्फ आप कोई भी question कर पाएंगे बल्कि आपको एक skill आपके career में add होगा कि आप ये चीज़ कर सकते हैं फिर, ठीक है, और questions तो आपको आते ही आएंगे फिर, because all the things are मतलब वो जो चीज़ें हमने वहाँ पे explain की है demo के तरीके, demo के basis पे, और पूरा practical work है और हर चीज़ डिफाइंड है, हर चीज़ डिफाइंड है उन वीडियोस में, ठीक है. सो द थर्ड क्वेश्चन इज ए वर्ड प्रोसेसर वुड मोस्ट लाइकली बी यूज्ड टू डू, क्या कर सकता है, किस के लिए वर्ड प्रोसेसर यूज होता है, कीप एन अकाउंट ऑफ मनी स्पेंड, ठीक है, डू ए कंप्यूटर सर्च इन मीडिया सेंटर, मेंटेन एन इन्वेंट्री, टाइप ए बायोग्राफी. तो इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के है तो टाइप ए बायोग्राफी, किसी की जिसकी मतलब किसी पर्सन की बायोग्राफी लिखना है तो वो हम टाइप कर सकते हैं. मेंटेन एन इन्वेंट्री इसके लिए एक्सेल वगैरह यूज़ होता है, अकाउंट में वगैरह एक्सेस इसके लिए यूज़ होता है, तो सर्च किन के लिए तो कुछ और यूज़ होता है. तो बेस्ट ऑप्शन मैचिंग ऑप्शन फॉर दिस इज टाइप ए बायोग्राफी, दैट इज़ पार्ट डी. कमिंग नेक्स्ट, व्हाट इज़ गटर मार्जिन, गटर मार्जिन क्या होता है, ठीक है, गटर मार्जिन क्या होता है कि ए मार्जिन दैट इज एडेड टू द लेफ्ट मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग, मार्जिन दैट इज एडेड टू राइट मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग, मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग, मार्जिन दैट इज एडेड टू द आउटसाइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग. तो वो मार्जिन जो हम बाइंडिंग साइड से रखते हैं उसको हम गटर मार्जिन बोलते हैं. तो ये आपको रिमेंबर करना है यहाँ पे, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम्स में हम देख चुके हैं कि ये क्वेश्चन आता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कोई नई चीज़ नहीं आती, जो हमने कवर किया है प्रीवियस वीडियोज़ में वही चीज़ आएगी, उससे आउट तो नहीं आएगी. और हमने जैसे मैंने बोला कि हमने वीडियोस बहुत अच्छे से मतलब पूरा जो डीपली वो उनको स्टडी किया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को, बहुत कंप्लेंस भी आई कि सर आप बहुत डीप जाते हैं, मतलब आप मतलब ऊपर ऊपर से, जैसे कि मैंने बोला था कि डिज़ाइन इसका जो कोर्स का डिज़ाइन है वो JKSS भी रिलेटेड है, लेकिन वो चाहते हैं कि डायरेक्टली हम क्वेश्चंस करें और जो क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में वो, लेकिन मैंने जैसे बोला कि आपको स्किल होना भी ज़रूरी है, कल को आपको जॉब मिलेगी तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, तो इसलिए मैंने एक टाइम पे ही वीडियो बनानी थी, हर किसी के लिए बनाई, ठीक है. तो क्लियर है यहाँ तक, देन मूव नेक्स्ट. नाउ वी हैव फिफ्थ क्वेश्चन, दैट इज़ विच कैन बी यूज्ड फॉर क्विक एक्सेस टू कॉमनली यूज्ड कमांडर्स एंड टूल्स. क्विक एक्सेस अगर जो कॉमनली यूज्ड कमांडर्स एंड टूल्स है उसके लिए हमें कौन सा चीज़ यहाँ पे यूज़ होता है, स्टेटस बार, नो, टूल बार, अभी देखते हैं टूल बार होता है कि नहीं, मेन्यू बार हमने बहुत देखा, जैसे कि मेन्यू बार हमने बोला था, टैब बार जिसमें होता है होम वगैरह, एंड टाइटल बार जो डॉक्यूमेंट का टाइटल होता है. तो टाइटल बार में तो ये नहीं होता है जो कॉमनली यूज्ड कमांड्स एंड ऑल दैट, वो नहीं होता है, मेन्यू बार में भी नहीं होता है, ठीक है. तो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज टूल बार, जैसे जिसको हम रिबन बार भी बोलते हैं, जैसे हमने ऊपर वो पिछले वीडियोज में देख चुके हैं हम इसको, ठीक है. तो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज टूल बार. Moving forward, question 6. When the language bar is dash, it means that you do not see it on the screen, but it will be displayed the next time you start your computer. Question 6. When the language bar is what? Language bar is hidden. It means that you do not see it on the screen, but it will be displayed the next time you start the computer. So language bar is hidden when you मतलब इसका जो correct answer है वो hidden है यहाँ पे, क्योंकि जब भी आप computer से अगर वो hidden है तो जब भी आप computer next time start करेंगे तो वो खुद ही आपको दिखाई देगा, display होगा. So hidden इसका correct answer है, ठीक है. So moving forward, we have 7th question, that is ऑटो करेक्ट वॉज ऑरिजिनली डिजाइनड टू रिप्लेस डैश वर्ड्स एज यू टाइप, शॉर्ट, रिपीटेटिव, नो, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, नो, मिस स्पेल्ड, येस. तो ऑटो करेक्ट क्या होगा, मतलब होता है जब भी आप मिस स्पेलिंग करते हैं, जैसे हमने देखा था इसमें किस टैब में देखा था, रिव्यू टैब में हमने इसको एक्सप्लेन किया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मिस स्पेल्ड है, ऑप्शन सी. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, 8th क्वेश्चन वी हैव,
होम की यूजेस फॉर मूव द कर्सर बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, मूव द कर्सर बिगनिंग ऑफ द पैराग्राफ, मूव द कर्सर बिगनिंग ऑफ द स्क्रीन, मूव द कर्सर बिगनिंग ऑफ द लाइन. जो होम बटन होता है हमारा, तो हमें पता है, हमने देख चुके हैं हम कि मूव द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ द लाइन. तो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज डी. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड. क्वेश्चन 9, वी हैव कंट्रोल प्लस राइट एरो इज यूज टू मूव द कर्सर वन वर्ड राइट, मूव द कर्सर एंड ऑफ द लाइन, मूव द कर्सर एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, मूव द कर्सर वन पैराग्राफ डाउन. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ए, मूव द कर्सर वन वर्ड राइट. कंट्रोल प्लस राइट एरो की मूव द यूर कर्सर टू द वन वर्ड राइट. ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड. 10th क्वेश्चन, वी हैव एंड की इज यूज फॉर यूज टू मूव द कर्सर एंड ऑफ द लाइन. हमें पता है कि जब भी हम एंड बटन यूज़ करते हैं, होम बटन क्या करता है, बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, बिगनिंग ऑफ द लाइन पे ले जाता है. एंड जो ये है कर्सर जो है बिगनिंग ऑफ द लाइन, हमने यहाँ पे देखा था डी पार्ट, मूव द कर्सर बिगनिंग ऑफ द लाइन. एंड एंड क्या करता है, मूव द कर्सर एंड ऑफ द लाइन. ये चीज़ आपको याद रखनी है, बिल्कुल दो चीज़ें अपोजिट है. होम क्या करता है, बिगनिंग ऑफ द लाइन, एंड कर्सर दिस एंड की जो होता है, मूव द कर्सर एंड ऑफ द लाइन. ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा आपको. ठीक है, होप आपको ये खुद आ रहे होंगे, क्योंकि जो हमने कवर किए हैं पिछले वीडियोस में भी ये सब चीज़ें देख चुके हैं हम. देन वी हैव 11th क्वेश्चन, दैट इज कंट्रोल प्लस पेज डाउन इज यूज्ड टू मूव द कर्सर वन पैराग्राफ डाउन. नो, मूव द कर्सर वन पेज डाउन, मूव द कर्सर वन लाइन डाउन, एंड मूव द कर्सर वन स्क्रीन डाउन. सो द 11th क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज मूव द कर्सर वन पेज डाउन. कंट्रोल प्लस, आप ट्राई कर सकते हैं खुद से भी, ये तो ये बहुत ईजी है. सो यही कुछ चीज़ें वहाँ पे आ जाती है. ठीक है, तो दिस द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज बी, मूव द कर्सर. तो यहाँ पे मैंने MCQs के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी साथ साथ, मीन्स ये एक्चुअल में थे तो MCQs ही, लेकिन मैंने डायरेक्टली आंसर लिखे हैं क्योंकि लॉन्ग वीडियो जाता, इसलिए. कंट्रोल प्लस होम, कंट्रोल प्लस होम इज यूज टू मूव द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट. ठीक है, कंट्रोल प्लस होम क्या है, यूज़ होता है कि बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट पे ले जाने के लिए. कंट्रोल प्लस एंड यूज़ होता है टू मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट. ठीक है, कंट्रोल के साथ. यहाँ पे हमने सिंपल एंड, ये चीज़ याद रखनी है, कन्फ्यूज नहीं होना है. ठीक है, होम की सिंपली आपको मूव द कर्सर टू द मतलब फ्रॉम टू द स्टार्ट ऑफ द लाइन, एंड एंड की रिमूव द कर्सर एंड ऑफ द लाइन. वाइल कंट्रोल प्लस होम मूव टू द बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, एंड कंट्रोल प्लस एंड मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट. ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है आपको. देन मूविंग फॉरवर्ड, वी हैव 12th क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, वर्ड परफेक्ट, वर्ड पैड, MS वर्ड, ऑल ऑफ देम. तो ये अगर हम देखें यहाँ पे, तो इनमें से सारे जो है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर ही है. वर्ड पैड में भी हम टाइप करते हैं, डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, MS वर्ड में भी, वर्ड परफेक्ट में भी. तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑल ऑफ द अबो. एंड द 13th क्वेश्चन, देखो पहले लेक्चर में हमने ये चीज़ कवर की थी, तो विच फाइल स्टार्ट्स MS वर्ड. जब हमने पहला लेक्चर स्टार्ट किया था, जब हमने ऑफिस पैकेज के बारे में इंट्रोडक्शन की थी, फिर हमने जो वर्ड है वो स्टार्ट किया था, उसमें मैंने वर्ड को के ओपन करने के डिफरेंट तरीके बताए थे. एंड उनमें से मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे, कौन सी कमांड यूज़ होती है टू रन द वर्ड. तो उसके लिए जो करेक्ट आंसर है winword.exe. तो द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, विच फाइल स्टार्ट एम एस वर्ड, winword.exe. विंडोज प्लस आर जब आप रन बटन प्रेस करेंगे, उसमें आपको विन वर्ड लिखना पड़ता है एंड एंटर करना पड़ता है, आपका जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो ओपन होता है. ठीक है, दिस वॉज 13th क्वेश्चन. सो 14th क्वेश्चन इज कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस एन इज यूज टू सेव डॉक्यूमेंट, ओपन डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट, क्लोज डॉक्यूमेंट. कंट्रोल प्लस एन इज यूज टू क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट. तो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज सी, न्यू डॉक्यूमेंट. ओके, तो 15th क्वेश्चन क्या है हमारा, वट आर इंसर्टेड एज क्रॉस रेफरेंस इन वर्ड, वट आर इंसर्टेड एज क्रॉस रेफरेंसेज इन वर्ड. 15th क्वेश्चन, तो क्या होते हैं प्लेस होल्डर्स, बुक मार्क्स, ऑब्जेक्ट्स, वर्ड फील्ड्स. तो क्रॉस रेफरेंसेस हमने देखा था इंसर्ट टैब में, तो वर्ड फील्ड्स क्या होते हैं इंसर्ट, जब हम क्रॉस रेफरेंसेस यूज़ करते हैं वर्ड फील्ड्स ही इंसर्ट होते हैं. जैसे कि हमने देखा था क्रॉस रेफरेंस वाला वीडियो हमने अलग बनाया था, बुकमार्क, लिंक एंड क्रॉस रेफरेंस का वीडियो जो है वो अलग है, वो आप देखिएगा, आपको समझ आएगा कि क्या चीज़ यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा है. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, स्विचिंग बिटवीन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप मोड इन्वॉल्व्स द, मीनस स्विच करना पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड में क्या इन्वॉल्व करता है, हेडर एंड फुटर टूल बार, प्रिंट लेआउट व्यू, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, नन ऑफ द अबो.
सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, कि आपको पेज जो है लैंडस्केप में कि पोर्ट्रेट में, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में हम देखते हैं तो स्विचिंग बिटवीन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप मोड। हाँ, ये इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है सी है, लेकिन प्रिंट लेआउट में भी हम जब हम कंट्रोल पी करते हैं वहाँ पे भी हम ऑप्शन चूज करते हैं कि पोर्ट्रेट रखना है कि लैंडस्केप, लेकिन द मोस्ट अप्रोप्रिएट इज सी पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। सो द 17th क्वेश्चन इज वेयर कैन यू चेंज द वर्टिकल अलाइनमेंट। वर्टिकल अलाइनमेंट हम कहाँ पे चेंज कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग टूल बार, पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स एंड स्टैंडर्ड। जैसे कि पेज के रिलेटेड है, वर्टिकल अलाइनमेंट जो है चेंज करनी है, तो इसका भी करेक्ट आंसर पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स है। सो द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस ऑल्सो। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड इन द क्वेश्चन वी हैव नाउ, डैश इज अ कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड डिजाइन एलिमेंट्स एंड कलर स्कीम्स। पहले ही लेक्चर में मैंने बताया था, टेम्पलेट बोला था मैंने, लेकिन टेम्पलेट का दूसरा नाम मैंने अगले लेक्चर में बोला था कि थीम भी होता है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग एंड ऑल दैट डिज़ाइन होगा, उसको हम थीम बोलते हैं या हम टेम्पलेट भी बोलते हैं। ठीक है, 19th क्वेश्चन, चेंज द डैश टू क्रिएट डॉक्यूमेंट इन वाइड फॉर्मेट। पेज की हम क्या चेंज करेंगे कि उसका जो है डॉक्यूमेंट को हम रख सकते हैं वाइड फॉर्मेट में, पेज ओरिएंटेशन, पेज मार्जिन्स, पेज स्टाइल, पेज सोर्स। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज पेज ओरिएंटेशन। क्लियर है यहाँ तक? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉन्ट स्टाइल, बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर, सुपरस्क्रिप्ट। बोल्ड है वो फॉन्ट स्टाइल है क्योंकि उससे बोल्ड होता है टेक्स्ट, इटैलिक थोड़ा वो टेढ़ा हो गया आता है, ठीक है, रेगुलर भी फॉन्ट स्टाइल है, तो कौन सा नहीं है, सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट मीन्स आप जो है पावर एक्स स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर उसका जो होता है सुपरस्क्रिप्ट होता है, तो ये फॉन्ट स्टाइल नहीं है, ये प्रॉपर्टी है, मैंने जो आप रख मतलब ये टेक्स्ट है सिंपली, तो फॉर्मेटिंग जो है ये फॉन्ट स्टाइल जो है वो ये चीज़ें हैं, ठीक है, जो नहीं है वो सुपरस्क्रिप्ट है। ठीक है, देन वी हैव अ 21th क्वेश्चन, दैट इज फ्रॉम वायर कैन यू एक्सेस सेव कमांड। कहाँ से हमें सेव कमांड मिलती है, रिव्यू टैब से, होम टैब से, इंसर्ट टैब से, नन ऑफ द अबव। देखिए यहाँ पे पहले लेक्चर में फाइल टैब पे जब हम काम कर रहे थे तो हमने कहा था कि सेव कंट्रोल एस यूज़ होता है शॉर्टकट उसके लिए, लेकिन अगर हमने एक्सेस करना हो टूल बार से, मेन्यू बार से, टैब बार से, तो फाइल टैब में वो यूज़ होता है, फाइल टैब में होता है सेव एंड सेव एस। तो यहाँ पे रिव्यू टैब है नहीं, होम टैब भी नहीं है, इंसर्ट टैब में भी नहीं, तो नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज नन ऑफ द अबव। कन्फ्यूज नहीं होना कि होम टैब में होगा या वैसे, नहीं, नन ऑफ द अबव इसका, ठीक है, करेक्ट आंसर। सो देन मूविंग फॉरवर्ड we have 22th question, that is the space left between the margin, the space left between the margin and the start of a paragraph is called, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, जब हम लेफ्ट मार्जिन, लेफ्ट जो पैराग्राफ होता है स्टार्टिंग में, जब उसको हम थोड़ा सा ये स्पेस देते हैं, टैब देते हैं, उसको हम इंटेंड बोलते हैं। इंटेंडेशन हमने देखा था होम टैब में होता है, ठीक है, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज इंटेंडेशन। ठीक है, देन मूविंग फॉरवर्ड वी हैव 23 को, टू अप्लाई सेंटर अलाइनमेंट टू ए पैराग्राफ वी कैन प्रेस। सेंट्रल अलाइनमेंट के लिए हमने शॉर्टकट वहीं पे एक्सप्लेन किए थे कि शॉर्टकट जस्टिफाई के लिए क्या है, लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए है, राइट अलाइनमेंट क्या के लिए क्या है। ठीक है, तो द शॉर्टकट फॉर सेंट्रल अलाइनमेंट वाज कंट्रोल प्लस ई। ठीक है, करेक्ट। तो ये थे हमारे MCQs ऑन दिस, वी हैव सम पॉइंट्स ऑल्सो हेयर, दिस कैन बी कन्वर्टेड इन टू द MCQs ऑल्सो। कंट्रोल प्लस जी इज यूज टू ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विद एक्टिवेटिंग गो टू टैप। कंट्रोल शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एफ इज यूज टू फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विद एक्टिवेटिंग फाइंड टैब। ओके, तो ये से दो शॉर्टकट्स हो, एंड फ्यू शॉर्टकट्स फॉर क्विक टेक्स्ट फॉर्मेट, कंट्रोल पी, बी इज यूज फॉर बोल्ड, कंट्रोल आई प्लस इज इटैलिक, ये हमने वहाँ पे भी देखा था लेकिन यहाँ पे मैं क्विक रिव्यू कर रहा हूँ। कंट्रोल यू फॉर अंडरलाइन, कंट्रोल एल फॉर लेफ्ट जस्टिफाई, कंट्रोल ई फॉर सेंटर जस्टिफाई, मतलब सेंटर को करना अगर टेक्स्ट है, ठीक है, कंट्रोल जे टू जस्टिफाई एंड कंट्रोल आर टू राइट जस्टिफाइड, राइट साइड रखना है। ठीक है, वो हम सब ये सब डिफाइन कर चुके हैं क्या होता है एक्चुअल में, वो आप देखिएगा, पहला या दूसरा वीडियो था वो। ठीक है, देन कंट्रोल प्लस जेड इज यूज्ड फॉर द अनडू एक्शन। ठीक है, कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल एफ थ्री कट द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू स्पाइक एंड ऑल दैट, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ थ्री, ये आप खुद पढ़िएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे शॉर्टकट्स रिगार्डिंग दिस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो यूज़
होते हैं. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द MCQs रिगार्डिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. होप आपके जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है वो आपने करेक्ट किए होंगे, और अगर जितने भी आपने किए हैं आउट ऑफ द कितने हैं यहाँ पे 23 है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि 23 में से आपके कितने ठीक हो गए हैं. ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं अगले लेक्चर में जो हम स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. तो स्टे ट्यून्ड फॉर न्यू वीडियोस आल्सो, एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा. ठीक है, और बाकी जो अगर आप चाहते हैं कि ये क्वेश्चंस आप बिल्कुल विदाउट एनी प्रॉब्लम सॉल्व होने चाहिए आपसे, तो प्लीज़ मैं फिर से बता रहा हूँ आपको कि पिछले वीडियोज़ आप ज़रूर देखिएगा. ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में.